प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के रांची शहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नए झारखंड विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा, हमारी सरकार हर भारतवासी को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने का प्रयास कर रही है। इस वर्ष मार्च से ऐसी ही पेंशन योजना देश के करोड़ों श्रमिकों के लिए चल रही है। इस योजना से अब तक 32 लाख से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आपने इस बार संसद के सत्र को लेकर भी काफ़ी कुछ सुना और देखा होगा। इस बार जिस तरह संसद चली उसे देखकर आपको अच्छा लगा होगा। हमारा संकल्प है कि जनता को लूटने वालों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाए। इस पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, कुछ लोग तो अंदर चले भी गए हैं। हमारी सरकार ने पहले 100 दिन में ही आतंकरोधी कानून को और मजबूत किया है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। आज देश के लगभग 6.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि पहुंच चुकी है। देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें अपने जीवन से हटा देना है। पर्यावरण प्रेमियों से मेरी अपील है कि वे देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति कराने में हमारे साथ चल पड़ें। नए भारत के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा, मिलकर देश को आगे बढ़ाना होगा।